एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा से। उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र में एक जूता कारीगर के सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह बोरे में बंद लहूलुहान शव घर के पीछे मिला है। पुलिस हत्या में किसी परिचित का हाथ मान रही है। जनपद आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के नगला कली के पास स्थित पुष्पांजलि होम्स में नरेश परिवार के साथ रहता है। घर में उसकी पत्नी प्रमिता, बेटी सोमी, लाड़ो और बेटा नन्हे रहते हैं। पर नरेश के भाइयों का परिवार गोबर चौकी में पुराने घर में रहता है। मंगलवार सुबह नरेश का सब घर के पीछे कूड़े के ढेर में बोरी में बंद मिला। सिर पर जख्म थे और खून निकल रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि सिर पर सरिया या किसी धारदार हथियार से वार किया गया हो। एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। 35 वर्षीय नरेश जूता कारीगर होने के साथ ही व्यापार भी करता था। उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी, लेकिन अभी स्वजन भी इस पूरे मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस को आशंका है कि घटना में किसी करीबी का हाथ है, कहीं और हत्या करके यहाँ शव फेंका गया। घर के पीछे ही खून से सने कपड़े भी मिले हैं। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया है। फॉरेंसिक टीम घटना स्थल और घर से नमूने लेगी। देखिए, आज ताजगंज थाना क्षेत्र के नगला कली एरिया में सवेरे डेड बॉडी मिलने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। मौके पर थाना पुलिस, एसओजी की टीम, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड और सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना वहाँ पे किया गया। प्रथम दृष्टि हत्या का प्रकरण जो है वो सामने इसमें आ रहा है। इसमें बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। जो भी तहरीर इसमें प्राप्त हुई है उसके ऊपर विधिक कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जल्दी जो है गुनहगार तक जो है वो पहुँचा जाएगा। देखिए, शिनाख्त है क्योंकि उसके घर के पिछले साइड में ही जो है वो उसकी डेड बॉडी मिली है। नाम उसका नरेश है, मृतक का नाम नरेश सन ऑफ सुरेश चंद, और नगला कली एरिया में उन्हीं के घर के बगल जो पिछला हिस्सा है वहाँ पे डेड बॉडी प्राप्त हुई है।